हाय फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सिंह फ्रॉम sharefreak.in। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बैंक निफ्टी के इंटरनेट डेवलपमेंट को देखेंगे। बैंक निफ्टी ने कौन से लेवल को होल्ड किया, कौन से लेवल को मंडे को ब्रेक कर सकता है या होल्ड कर सकता है। हम लोग लाइन चार्ट को देखेंगे, समझेंगे और फिर ट्रेंड लाइन सपोर्ट को भी हम लोग देखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न को भी समझेंगे और लास्ट में हम लोग ऑप्शन डेटा एनालिसिस भी करेंगे। ऑप्शन डेटा के अनुसार कौन सा लेवल हमारा बंद करा रहा है, कहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा है, कहाँ पे पुट राइटिंग ज्यादा है, तो इन सारे चीजों को देखेंगे। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आप देख सकते हो ये मेरा जो लोअर ट्रेंड लाइन है ब्लैक कलर का, उसको कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी डिफेंड कर रहा है। सो दैट कन्फर्म्स दैट दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक कंफर्मेशन मिलता है इससे, क्योंकि यहाँ इस लेवल पे भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस लेवल पे भी यहाँ सपोर्ट लिया, इस दिन भी यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेक डाउन दे करके वापस ऊपर गया, फिर इस दिन भी किया और कल भी किया। सो ये सारे दिन, इतने सारे दिन जा करके इस लाइन को होल्ड कर रहा है, मतलब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनकर आता है। जब तक इस लाइन के ऊपर है, ये लाइन जो है असेंडिंग लाइन है, ये धीरे धीरे सपोर्ट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अभी सपोर्ट हो गया 34,500 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। तो ये ऊपर का रेजिस्टेंस जो बनकर आ रहा है 34,916, तो ये जब तक ये सिमेट्रिकल, जो एक छोटा सिमेट्रिकल पैटर्न बना है, ये बड़ा एक चैनल, बड़ा सा एक चैनल है बट उसके बीच में एक छोटा सिमेट्रिकल बना है, नीचे का भी एक चैनल बना हुआ है। तो ये जो सिमेट्रिकल है, पहले इसको देखते हैं। ये सिमेट्रिकल के ऊपर जब 34,916 के ऊपर टिकता है, अगर यहाँ पे अगर इसके ऊपर जाता है तो जाकर एक ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा और अगर इस ट्रेंड लाइन मतलब 34,500 के नीचे कभी क्लोजिंग दे दिया बैंक निफ्टी, तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलेगा और जहाँ पर आपको ये ट्रेंड लाइन जो है ये एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा। तो इसका जो सपोर्ट बनकर आ रहा है नीचे की तरफ, वो 34,000 की तरफ आ रहा है। ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, तो जितना टाइम यहाँ पर बिताएगा और उसके बाद अगर नीचे जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन और नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। सो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो 34,500 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे जब भी अगर क्लोजिंग दे देता है, थोड़ा सा कॉशन रखना है। जैसे कि अभी वॉलीटिलिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, चॉपिनेस मार्केट में ज़्यादा है, तो आपको दोनों साइड की ट्रेड मिल सकते हैं। तो चलिए अब इंट्राडे चार्ट को देखते हैं और इंट्राडे चार्ट को देखने के बाद समझते हैं द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ कैंडल्स। फ्राइडे को बैंक निफ्टी में क्या एग्जैक्टली मूवमेंट हुआ, ये 15 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूअसली ये 34,500 लेवल को बहुत अच्छी तरह से डिफेंड किया है और ऊपर का लेवल जो इंट्राडे में बनकर आ रहा है, जिसका ब्रेकआउट लेवल है 777, ये जो लेवल है, इस लेवल पे बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर निकलता है तो 900 की तरफ जाता है। ये जो दो ग्रे लाइन है, दैट इज माई नो ट्रेड जोन। ये नो ट्रेड जोन एरिया है, ये आपको 34,880-90 के आसपास से शुरू होता है और मेरा 34,920 के आसपास बंद होता है। और नो ट्रेड जोन में आपको वेट एंड वॉच करना है कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलता है या नहीं। अगर बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन के ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ पे 34,900 का सपोर्ट लेकर के वापस एक बैंक निफ्टी 35,180 की तरफ निकल सकता है। उसके बाद फिर अगला लेवल आएगा 34,300 का। लेवल्स है, इन लेवल्स को आपको याद रखना है और लेवल टू लेवल आपको ट्रेड करना है। तो कीप इन माइंड दैट बैंक निफ्टी 34,500 के नीचे क्लोजिंग देता है, अगर इंट्राडे बेसिस में आवर्ली 30 मिनट्स का क्लोजिंग इसके नीचे आ जाता है, जैसे कि ये नीचे आया था बट वापस ऊपर चला गया, अगर यहाँ ये तो यहाँ पे आप जरूर बाई कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 34,430 का। 34,430 का स्टॉप लॉस लेकर के आप इसको बाई कर सकते हैं यहाँ पे और ऊपर की तरफ मूव के लिए। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और उसके बाद फिर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं 34,300 के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द लेवल्स टू लेवल आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। चलिए डेटा में देखते हैं डेटा में क्या बनकर आ रहा है। तो 34,600 के डेटा में हम ये देख सकते हैं 4,97,000 का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में और 4,98,000 का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। मींस 34,600 जो है मेक और ब्रेक लेवल है अगले दिन के लिए। दोनों साइड में बराबर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों बराबर है। 34,500 लेवल पे आपको 7,00,000 का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में और पुट साइड में 9,00,000 का है। यहाँ भी एक थोड़ा क्लोज मामला है। 34,400 लेवल पे 81,000 कॉल राइटिंग है और यहाँ पर 3,11,000 पुट साइड राइटिंग है। सो 34,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ दिख रहा है हमें। डाउन साइड में नीचे अगर गिरता है इमीडिएट बेसिस पे आप देखेंगे तो 34,600 का जो लेवल है उसको ब्रेक अगर करता है बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पर साइड और पुट साइड में दोनों बराबर का लेवल दिख रहा है, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो 34,500 के लेवल पे फिर सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर डेटा कॉल साइड में पुट साइड में सपोर्टिव है और शॉर्ट ज़्यादा क्रिएटेड है। 34,300 लेवल पे 39,000 ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में और 2,00,000 पुट साइड में है। 34,200 पे 3,00,000 है और यहाँ 33,000, मतलब कि आपको 34,400 से ही कोई स्ट्रांग सपोर्ट दिखने लग रहा है। 34,500 पे थोड़ा सा सपोर्ट है
बट बहुत ही स्ट्रांग नहीं है क्योंकि यहाँ 9 लाख है और यहाँ पर 7 लाख है। 34,600 पे, जैसा कि मैंने बोला, ये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा 34,600। इस लेवल को आपको मंडे को इमीडिएट बेसिस पे वॉच करना है। डेटा को आप फॉलो कीजिए, डेटा में लेवल्स बन रहा है उसको फॉलो कीजिए और ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो हमने दिखाया उसको भी फॉलो कीजिए। दोनों को मैच कर आपको ट्रेड करना है। तो 34,700 लेवल पे 4,26,000 ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में और 8 लाख है कॉल साइड में। तो यहाँ पे आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस मिल रहा है 34,700 पे। अगर 600 को ब्रेक करता है तो नीचे में 34,500 का लेवल आता है। अगर 600 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 34,700 का लेवल रेजिस्टेंस आता है। कि अगर 34,700 के ऊपर हम खुलते हैं तो नीचे में जो ये शॉर्ट्स क्रिएटेड है इनमें थोड़ा सा पैनिक अगर आया और इनमें अनवाइंडिंग चालू हुआ, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है वीक का और मंडे से ट्यूजडे से कुछ अनवाइंडिंग हो सकता है चालू हो, तो अगर ये अनवाइंडिंग चालू हुआ तो ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जा सकता है। एज पर द टेक्निकल चार्ट, डेली चार्ट में अगर टेक्निकली देखेंगे, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन जो है इस लेवल पे बैंक निफ्टी एक बार जरूर आए। और इसको देखते हुए हमने यहाँ पे बाई इनिशिएट किया था और चूंकि इस दिन वोलेटाइल बहुत हुआ, ऊपर भी गया नीचे भी गया वापस, तो व्हाट आई एम प्लानिंग दैट यहाँ से अगर सपोर्ट मिलता है बैंक निफ्टी को कल के दिन, फिर यहाँ से सपोर्ट मिलता है तो वापस अगर यहाँ आता है तो 34,860 टू 34,900 का लेवल बनकर आएगा। अगर नीचे जाता है तो नीचे में लेवल आपको बनकर आएगा अराउंड 34,550 का। सो ये ट्रेंड लाइन जो है असेंडिंग है, तो ये 50-50 पॉइंट्स थोड़ा सा ऊपर बढ़ते जाएगा और ये 50-50 पॉइंट्स थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। जब यहाँ पर एक ये जो स्पेस है ये कम हो जाएगा तो यहाँ पर एक वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है और किसी साइड भी आपको एक बड़ा मूव मिलने का चांसेस है। या तो यहाँ से सडनली ब्रेकआउट इधर मिलेगा, नहीं तो यहाँ से ब्रेकडाउन मिलेगा, तो किसी साइड भी आपको एक बड़ा मूव मिल सकता है। तो मैंने डेटा में आपको जैसे कि बताया कि रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है 34,700 पे और सपोर्ट जो मेक और ब्रेक लेवल है 34,600 है और सपोर्ट लेवल 34,500 है। सो ये रेंज को आप देखिए, ऊपर की तरफ जैसे बैंक निफ्टी टिकता है 34,700 के ऊपर, कल फ्राइडे को भी मैंने बोला था कि 34,700 के ऊपर होल्ड करने के बाद ही बैंक निफ्टी में यहाँ पे शॉर्ट जो क्रिएटेड है 34,400 पे और 34,500 पे, इनमें अनवाइंडिंग चालू होगा। अगर 200-300 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा तो 200-300 पॉइंट नीचे वाले में अनवाइंडिंग चालू हो सकता है, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर अनवाइंडिंग चालू होता है तो ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी निकलेगा और मेजर रेजिस्टेंस 35,000 पे, 13 लाख ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में और 3 लाख है सिर्फ पुट साइड में। सो ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है इस हफ्ते के लिए। सो डेटा में हमने बता दिया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और आपको मैंने ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल्स को भी बता दिया। चलिए अब देखते हैं हम लोग लाइन चार्ट। ये लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट में आपको क्लियर, आपको जो हमने प्रेडिक्ट किया था उसी के अनुसार बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है सपोर्ट बनकर आया है और बैंक निफ्टी ने फिर यहाँ पर एक 34,500 पे फिर से एक सपोर्ट बनाया है। इस लेवल के ऊपर जब तक क्लोजिंग दे रहा है तो बैंक निफ्टी को यहाँ से हो सकता है सुबह में थोड़ा नीचे आकर के वापस ऊपर जाए और जैसे ये जो लेवल आएगा 34,691.5, इसको मैं मार्क कर देता हूँ 34,691.5, तो ये लेवल को जैसे ही बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा इस लेवल को, तो ये ब्रेक करेगा इन सेंस लाइक इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होना है, इसके ऊपर एक कैंडल जैसे क्लोज होता है तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ एक शार्प मूव देने के लिए रेडी हो जाएगा, जहां पर आपको पहला रेजिस्टेंस जो बड़ा वाला मिलकर आएगा, सबसे बड़ा वाला 35,000 पे, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है उससे पहले जो आएगा 34,900 पे। 700 के ऊपर टिकने के लिए नीचे का जो लेवल है वहां पे अनवाइंडिंग देखना बहुत जरूरी है। जब तक यहां पे अनवाइंडिंग चालू नहीं होगा नीचे के लेवल पे, ये 34,500, 400, 600 पे, इस लेवल पे अगर जब तक यहां पे अनवाइंडिंग नहीं चालू होगा, ये जो एडिशन है प्लस में ग्रीन में, वो अगर माइनस रेड में अगर जब तक नहीं आता है, तब तक बैंक निफ्टी को ऊपर के लेवल में जाने का बहुत ही प्रॉब्लम होगा। और उसके लिए अगर वैसा नहीं होता है तो बैंक निफ्टी वापस रेंज में फंसा रहेगा, इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा। एक बार बहुत बड़ा नीचे मारेगा और एक बार बहुत बड़ा ऊपर भी मार सकता है। सो वॉलिटिलिटी बढ़ेगी। जो हमने डेली चार्ट में ये सिमेट्रिकल देखा था, ये सिमेट्रिकल छोटा होते जा रहा है और जैसे जैसे और छोटा होगा वॉलिटिलिटी बढ़ जाएगी और रेंज भी आपकी छोटी हो जाएगी। लाइन चार्ट में आपको बस यहाँ ये लेवल इंपॉर्टेंट अभी इमीडिएट 34,500 का दिख रहा है और डेटा के अनुसार मेक और ब्रेक लेवल है 35,600। ये डेटा के अनुसार है, अगर 35,600 को ब्रेक करता है तो इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट मिलेगा 35,000। ये लेवल दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर में रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है 35,700 का। सो ऊपर में ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है। सो यहाँ पे आपको देखना है कि इसके ऊपर होल्ड करता है कि नहीं। अगर इसके ऊपर होल्ड कर लेता है और कंसोलिडेट करता है तो फिर एक ब्रेकआउट आएगा,
फिर इसके ऊपर जाएगा, फिर इसके ऊपर कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मतलब कि जब यहां पर एक कंसोलिडेट करेगा किसी लेवल के ऊपर में, तो आपको डेटा पे ध्यान देखना है, उस समय डेटा में चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन इज जस्ट नॉट लाइक कि वहां पर आपको ये बैंक निफ्टी रुक गया है या कुछ ऐसा करके। उस कंसोलिडेशन मतलब वहां पर बहुत देर तक घूम रहा है, टिक रहा है, मतलब इंटरनली डेटा में कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में फाइटिंग हो रहा है, और कौन में किस में ज़्यादा राइटिंग्स होगा वो जाकर लास्ट में बैंक निफ्टी का डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर ऊपर में कॉल पुट राइटिंग भरता है और अनवाइंडिंग होता है कॉल राइटिंग की तरफ, तो ऐसे कंसोलिडेशन होते हुए फिर एक लेवल को ब्रेक करेगा, फिर यहां से जाएगा, फिर एक लेवल को ब्रेक करेगा। सेम वे नीचे में भी है, 35,600 को ब्रेक करता है तो 34,500 के लेवल पे आएगा, और उस लेवल पे जाकर के फिर वापस कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे अगर तोड़ता है तो फिर यहां पर आकर फिर कंसोलिडेट करेगा। एक एक लेवल पे कंसोलिडेशन मतलब कि कंसोलिडेशन जो करता है वो आपको टाइम देगा, और डेटा में चेक करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। आप डेटा को सकते हो कि किस साइड में आपको ज्यादा राइटिंग और कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दिख रहा है। तो आई होप आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग, लाइन चार्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड द डेटा। सो तीनों मिलाकर अगर आप मैच करेंगे तो आपको बैंक निफ्टी अभी रेंज में दिख रहा है एज पर माई डेली चार्ट। कीप वॉचिंग द डेटा, कीप वॉचिंग द लेबल्स, लेबल टू लेबल ट्रेड कीजिए। नीचे के लेवल पे यहाँ पे आए तो जरूर बाई कीजिए, यहाँ पर आए तो निकल जाइए, फिर यहाँ पर आए तो बाई कीजिए, फिर यहाँ पर आए तो निकल जाइए। तो ऐसे करके जब तक इस ट्रेंड में है तो दोनों साइड का ट्रेड बनेगा। इसमें स्टॉपलस छोटा नहीं रख सकते आप, स्टॉपलस हिट करने का चांसेस रहेगा, तो स्टॉपलसेस थोड़ा बड़ा रहेगा। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, इवन यहाँ भी मेंशनड है मेरा, ये दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन मैसेज मी एंड यू कैन आस्क मी द लेबल। वंस आई गेट द टाइम आई विल रिप्लाई इट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।